नेक्स्ट है वीररस, जहां उत्साह का प्रयोग किया जाए कविता में, कविता के वर्ण विषय में उत्साह का प्रयोग किया जाए, मतलब उत्साह नामक स्थायी भाव का प्रयोग किया जाए, और उत्साह से प्रभावित वीरता के भावों को कविता में स्थान दिया जाए, वो वीर रस होता है। मतलब वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया? उत्साह। काव्य शास्त्र के अनुसार उत्साह का संचार इस वीर रस के दौरान होता है, किंतु उसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रहती है रण पराक्रम की, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि वीर चार प्रकार के माने गए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानता जिसकी है वो है युद्धवीर की। और कवियों ने भी रण पराक्रम का वर्णन सबसे ज्यादा किया है वीर रस, यहां पर एक नायक अपने शौर्य का परिचय देता है, अपने पराक्रम का परिचय देता है, अपने युद्ध कौशल का परिचय देता है, अपने क्षात्र धर्म का परिचय देता है। इस प्रकार के वीर रस का वर्णन कविता में ज्यादा दिखाई देता है। जब एक सहृदयी व्यक्ति में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव अनुभव और संचारी भावों के अनुरूप अभिव्यक्त होता है और उसका वो आस्वादन करने लगता है, वहां वीर रस की प्राप्ति होती है। वीरों के चार भेद है, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर। युद्ध कौशल में अपना पराक्रम दिखाए वो युद्धवीर, जो धर्म की स्थापना करने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे वो धर्मवीर, जो दान देने में और लोगों की सेवा शुश्रूषा करने में अपनी तरफ से कुछ देता है वो दानवीर, दयावीर जो दूसरे लोगों के कल्याण की कामना करता है, दूसरे लोगों के भले की कामना करता है और इसमें वो अपना सब कुछ दे देता है, खुद को समर्पित कर देता है, वो दयावीर। इसके बहुत सारे चरित्रों के उदाहरण आप अलग अलग ढूंढ के लगा सकते हैं कि ये युद्धवीर है, ये धर्मवीर है, ये दानवीर है, ये दयावीर। ये मुख्यतः आचार्यों के अनुसार वीर के चार भेद हैं, यानी कि चार प्रकार के वीरों की कल्पना की गई है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता किसको दी गई? युद्धवीर को, यानी कि कविताएं सबसे ज्यादा युद्धवीरों पर लिखी गई। आलंबन कौन होते हैं? वीर रस का आलंबन कौन कौन हो सकता है? शत्रु हो सकता है, वो तीर्थ स्थान हो सकता है, ये तीर्थ स्थान किसका है? युद्ध का। पर्व हो सकता है, ये पर्व कौन सा है? ये भी युद्ध है। इस संदर्भ में जब वो युद्धवीर है, जब वो दानवीर है तो वो तीर्थ स्थान कोई स्थान विशेष हो सकता है, और वो पर्व कोई दिन विशेष हो सकता है। ये चारों के हिसाब से चार अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोई ग्रंथ हो सकता है, अगर वो युद्धवीर है तो शौर्य का वर्णन, उसके बारे में लिखी गई चारणों की, भाटों की कविताएं। अगर वो दानवीर हैं तो दान के संदर्भ में पहले जो 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 व्यक्ति दानवीर हुए हैं या दानवीर कहलवाए हैं, उन लोगों के दानवीरता का वर्णन करने वाले ग्रंथ, इस संदर्भ के हिसाब से परिवर्तित हो गया। या जो सामने दयनीय व्यक्ति है, जो दयनीय चरित्र है, दानवीरता के संदर्भ में, दयावीरता के संदर्भ में माना जाता है, और युद्धवीर के संदर्भ में सामने जो शत्रु है वो आलंबन होता है। उद्दीपन विभाव, शत्रु का पराक्रम, अन्नदाताओं का दान, किसी व्यक्ति का धार्मिक इतिहास, अन्य व्यक्ति की दुर्दशा, ये वीर रस के उद्दीपन विभाव है, क्योंकि चार अलग अलग संदर्भों में, चार अलग अलग रूपों में आता है सामने, इसलिए सबको सम्मिलित किया गया। अनुभाव क्या क्या होंगे?
कर्मोक्तियां किसी पितवीर की, दानवीर की, धर्मवीर की या दयावीर की बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाली कुछ गर्भोक्तियां प्रस्तुत की जाए। याचक का आदर सत्कार, जब याचक याचना करने के लिए आए, कुछ मांगने के लिए आए, तो वो जिस तरीके से याचना के स्वर प्रस्तुत करता है, याचना की अपनी बात प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति का आदर सत्कार करता है, ये अनुभव भी वीर रस को जागृत करने में सहायक बनते हैं। कोई व्यक्ति धर्म के लिए, कोई व्यक्ति छात्र धर्म के लिए, यह धर्म सब प्रकार का, दया भी धर्म है, ममता भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है, युद्ध भी धर्म है, छात्र भी धर्म है। धर्म के लिए कोई व्यक्ति कष्ट सहन करता है तब भी उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। दया पात्र के प्रति सांत्वना की भावना कविता में प्रस्तुत की जाए तब भी उत्साह जागृत होता है। आप भी वैसा करना चाहेंगे, आप भी उस चरित्र के जैसा बनना चाहेंगे, ये अनुभव है जो उत्साह को जागृत करते हैं। संचारी भावों में रति, स्मृति, गर्व, हर्ष, मति आदि वीर रस में आने वाले मुख्य संचारी भाव है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे संचारी भाव है जो आते हैं, लेकिन ये मुख्य संचारी भाव है जो काम करते हैं। एक उदाहरण देखिए युद्ध वीर का, और सबसे ज्यादा इसी प्रकार की कविताएं लिखी गई है हिंदी में। अभिमन्यु अपने साथी से युद्ध के संदर्भ में कुछ कह रहा है, युद्ध वीर का उदाहरण है। हिसार थे हैं द्रोण, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, भाषा परिवर्तित है, देवेंद्र भी आकर अड़े, मैं खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये युद्ध वीर की वीरता है, जो अपना पराक्रम अपना शौर्य दिखाता है। और भी उदाहरण देखिए, उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है, जागृत करता है, युद्ध के लिए ललकारता है, कुछ अच्छा करने के लिए ललकारता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी युद्ध वीरता का वर्णन है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, हल्दीघाटी कविता से लिया गया। भूषण का एक कवित्व देखिए, साजु चतुरंग सैन्य अंग उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत। शिवाजी की सेना प्रस्थान कर रही है और सेना प्रस्थान के समय का वर्णन किया गया है, ये भी उत्साह जागृत करता है, और उत्साह जागृत होने के कारण आप वीर रस की प्राप्ति करते हैं।